पहले बताइए। अरे बैठो तो सही, बैठो 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 बैठो, थोड़ा पानी पियो फिर बात करते हैं ना। बताइए ना। अब मेरा ना प्रमोशन हो गया है तो इसलिए। प्रमोशन? अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। मैं ना मम्मी पापा को अभी फोन करके यहाँ बुलाती हूँ, फिर हम रात भर पार्टी करेंगे। यार तेरा दिमाग खराब है क्या? जो तेरे को कहा जाता है तू करती क्यों नहीं? यार तेरा दिमाग खराब है क्या? जो तुझे कहा जाता है वो तू करती क्यों नहीं? हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, तू कितनी थकी हुई लग रही है, थोड़ा पानी पी लो पहले, थोड़ा आराम से बैठो। ओह माय गॉड, मैं तुम्हें अपने हाथों से पानी पिलाता हूँ, पियो 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 पियो। बस 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 बस, कितनी अच्छी मेरी शोना। शोना? ए चुड़ैल, अब मैं अपनी शांता को फोन करता हूँ और इस चुड़ैल के सामने ही प्रेम प्रेम प्रेम। हेलो। हाँ शांता डार्लिंग, कहाँ हो तुम? जल्दी आ जाओ और उसके बाद हम लोग करेंगे। आज हम इतना प्यार करेंगे जिसका हिसाब ही कुछ नहीं। वो देखो बाबा जी की बूटी से। तुम्हारी बीवी? अरे मेरी बीवी का है? वो पत्थर का टुकड़ा है, वो बिल्कुल सुन है। क्या? हाँ सच में? सच। मुझे एक बार चेक करने दो। हाँ। मैं इन्हें एक जोक सुनाती हूँ। हाँ। एक बार एक चींटी ने दूसरी चींटी को प्रपोज किया। जैसा तूने जोक सुनाया ना, उसे सुन के पूरी दुनिया सुन हो जाएगी। तू जोक रहने दे, हम रोमांस करते हैं। हाँ कैसा लगता है? अच्छा लगता है। पिंटू, गॉड करे तुम्हारी बीवी जिंदगी भर यूं ही सुन रहे। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, भगवान करे तुम्हारी बात सच हो जाए और ये चुड़ैल ऐसी की ऐसी रहे। पिंटू, ये मुझ पर बहुत सूट करेगा। अरे तेरे गले में डालने के लिए तो मैं इसको तलाक दे दूंगा। इस चुड़ैल के लिए तुम मुझे तलाक दोगे? इससे तो होश आ गया पिंटू। तुमसे तो मैं बाद में निपटती, कल इस चुड़ैल को मैं जरा भेज दूँ। दंत मंजन लक्ष्मी रंजन। कहाँ भाग रही है कमंडल छाप औरत? अरे बाबा तेरा वो चूरन घटिया था। घटिया चूरन नहीं, घटिया तू है। मैं क्या बोल रहा? साले साले ही हैं हम। अरे गड़बड़ हो गई, अरे छुट्टी हो गई। हमको और दीदी को तुम्हारी हरकतों का पता चल गया था, इसीलिए हमने और दीदी ने ढोंग रचा। अरे गड़बड़ हो गई, अरे छुट्टी हो गई। दीदी क्या क्या बोल रहे थे? मैं बताती हूँ क्या क्या बोल। डंडा दो जरा। हाँ तो तुम मुझसे मुझे दीदी बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया। आज अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब पेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई। चल यहां से।
असाब पर बैठ सकते हैं। देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं, ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।